independent states, which were little autocracies that had to be integrated into the Indian Union, and no one else could do it except Sardar Vallabhbhai Patel. राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में पहुंच गया है. आज वो लौह पुरुष, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 145वीं जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे. राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन. कल माननीय प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया. इस समय माननीय प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए, ये प्रतिमा सरदार पटेल के राष्ट्र सेवा के प्रण, उनकी प्रतिभा, पुरुषार्थ और परमार्थ की भावना की अनुपम मिसाल है. माननीय प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि सरदार पटेल उनके प्रेरणा स्रोत हैं और उनके कई विचारों से प्रभावित होकर वो आज के भारत को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित हैं, प्रयास कर रहे हैं. जिस न्यू इंडिया की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उसका सपना बहुत पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था. उनकी सोच थी कि विकास समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे, और माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के तहत हर किसी को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की है. इसके लिए उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई हैं. सही मायनों में सरदार पटेल को एक सच्ची श्रद्धांजलि. आज बेहद खास दिन है. पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के सामर्थ्य और समर्पण का सम्मान तो है ही, ये न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है. ये देश भर के उन किसानों के स्वाभिमान का प्रतीक है जिनकी खेत की मिट्टी से और खेत के साजो सामान का लोहा इसकी मजबूत नींव बनी, और हर चुनौती से टकराकर अन्न पैदा करने की उनकी भावना इसकी आत्मा बनी है. ये ऊंचाई, ये बुलंदी युवाओं को प्रेरित करती है कि भविष्य का भारत आपकी आकांक्षाओं का है, जो इतना ही विराट है. इन आकांक्षाओं का पूरा करने का सामर्थ्य और मंत्र सिर्फ एक ही है, एक भारत, श्रेष्ठ भारत. और इस समय हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है सरदार पटेल को. Floral tributes being showered from the skies, a dedication to the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. The Honorable Prime Minister has always looked upon Sardar Patel as his hero and has endeavored to bring the Sardar's ideals to the forefront through various programs all over the country. In which the youth of India participate, Sardar Patel has been given his due place in the national consciousness. The Statue of Unity symbolizes the national, spiritual, historical, and academic values of the people of India. आज एकता दिवस पर श्रद्धा का भाव सबसे ऊपर, और कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पद पूजा
कोरोना महामारी के समय में हालात बदले हैं, लेकिन भारत माँ के सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि के लिए कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री यहाँ उपस्थित। भारत माँ के ऐसे सपूत जिनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और इच्छा शक्ति के कारण देश और दुनिया उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानती है। ऐसे विराट व्यक्तित्व की विराट प्रतिमा केवड़िया में, जहां प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। Prime Minister paying tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and the tallest statue is a reminder to us of the great contribution of Sardar Vallabhbhai Patel to the unity of India. No mean task that, when we look at the context and the time that this happened, and also the fact that there were adversaries to India at that time. And in fact, the members of parliament made it quite clear that the contribution of Sardar Vallabhbhai Patel was so great that many of them didn't quite understand what he was doing until it was finally achieved. He was called the Bismarck of India, and the wisdom of the Bismarck of India had been too much for them to understand, is what they had said, until it was finally achieved. And we are all the beneficiaries of that. India now a union of states with cooperative federalism, where the states and the union work together, and it works very well, and that is what we see in unity and diversity in our country, largely only because of this wondrous task that was achieved of bringing together 560 plus princely states into the Union of India. To travel the path of greatness, one must follow in the footsteps of the great men who have created these paths. Sardar Vallabhbhai Patel dedicated his life to create this road to freedom that inspires each one of us to move forth fearlessly and in faith. Maniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ne Lauh Purush Sardar Vallabhbhai Patel ki 145वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अत्यंत श्रद्धा भाव से देखते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। न केवल वे बल्कि सैकड़ों भारतीय, करोड़ों भारतीय आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के इस समारोह के अवसर पर, जिसका आयोजन यहाँ केवड़िया गुजरात में किया गया है। सरदार पटेल ने न केवल भारत को भौगोलिक एकता